हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंटर साइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काउंटर साइन आप कैसे करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि यह बताया था कि काउंटर साइन क्या होता है, काउंटर साइन की आवश्यकता आपको कब पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किया कि सर हमको बताइए कि हम काउंटर साइन अपनी टीसी पर कैसे करवा सकते हैं, काउंटर साइन कहां पर होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि अगर आपको अपनी टीसी पर काउंटर साइन करवाना है तो आप कैसे अपनी टीसी पर काउंटर साइन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि काउंटर साइन आप कैसे करवा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको अपनी टीसी पर काउंटर साइन करवाना है तो क्या करना होगा कि आपको अपने विद्यालय जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी क्लास को पास किया, चाहे क्लास 10th हो गया, क्लास 12th हो गया, आप जिस स्कूल से पढ़ाई किए थे, जिस स्कूल से आप टीसी लिए हैं, उसी कॉलेज आप जाइए और वहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे आप मिलिए और बताइए कि सर हमारी यह टीसी है, हमको यहाँ पर एडमिशन वगैरह लेना है, तो हमारी टीसी पर काउंटर साइन चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब आप उनको कहेंगे कि सर हमारी टीसी पर काउंटर साइन करा दीजिए, तो उसके बाद 2-4 दिन का समय लगता है, आपसे 100-200 रुपये ले सकते हैं। उसके बाद जो है कि वह आपके जो प्रिंसिपल होते हैं आपके कॉलेज वाले, वह जो है कि आपके टीसी पर काउंटर साइन करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जो है कि आप अपनी टीसी पर काउंटर साइन करवा सकते हैं। ज़्यादातर जो स्कूल वाले होते हैं वह शुरू में ही आपसे पूछ लेते हैं कि काउंटर साइन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आपसे स्कूल वाले पूछ लेते हैं तो आपको करवाना है तो करवा लीजिए। अगर फ्रेंड्स किसी भी सिचुएशन में आपके स्कूल वाले काउंटर साइन नहीं करवाते हैं तो इस सिचुएशन में आप क्या करिएगा कि आप जिस भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, आप क्या करिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में उस बोर्ड का जो कार्यालय होता है वहाँ पर आप जाइएगा और वहाँ के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे मिलिएगा और उनको बताइएगा कि सर हमारी यह टीसी है और इस पर काउंटर साइन चाहिए, तो वह जो है कि उस पर काउंटर साइन कर देते हैं। जो काउंटर साइन होता है या आपके बोर्ड के उच्च अधिकारियों का उस पर साइन होता है आपकी टीसी पर, उसी को जो है कि काउंटर साइन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यही काम करिएगा कि आप अपने विद्यालय जाइएगा, ज़्यादातर चांस है कि आपके विद्यालय वाले आपकी टीसी पर काउंटर साइन करवा देंगे। 1 हफ्ते का समय लगा सकते हैं और आपको अगर ज़्यादा जल्दी करवाना है आपकी टीसी पर काउंटर साइन, तो आप जो है कि अपने बोर्ड के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ पर चले जाइएगा और वहाँ से भी आप काउंटर साइन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।